हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्सशाला में। गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक पंक्चर्ड फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल को ठीक कर सकते हैं अपने घर पे। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एग का, यानी कि एक अंडे का, जो कि लगभग 5 से 6 रुपये का आपके आसपास में कहीं भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल सस्ती ट्रिक है। और दोस्तों, इस चीज़ को मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर से बता दूंगा कि ये चीज़ काम करती है या नहीं। अगर करती है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मेरे में जो वॉलीबॉल है ये पंक्चर हो गई है और लगभग 2 से 3 मिनट में इसकी हवा निकल जाती है, तो आज हम इसी को ही सही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एग है, जो कि एक रो एग है, ये जो है बॉइल्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ एक कच्चा अंडा है, इसको हम इस प्लेट में डालेंगे तोड़ करके, और जो इसके अंदर की चीज है उसको निकाल लेंगे इस प्लेट में। छिलका कोई काम का हमारे नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सिरिंज की, यानी कि एक सुई की। और ये जो इसका एग वाइट वाला पार्ट है, जो योक है, उसको नहीं लेना। जो एग वाइट है उसको हम इस सिरिंज के अंदर भरेंगे, और बस ध्यान हमें ये रखना है कि जो पीला वाला हिस्सा है, जिसको हम योक बोलते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ जो वाइट वाला पार्ट है, जो कि उबालने के बाद पूरा वाइट हो जाता है, सिर्फ उसी की हमें ज़रूरत है। तो मैंने दोस्तों इस एग वाइट को इस सिरिंज में भर लिया। और इसके बाद में ये जो सुई है, जो कि इसके आगे थी, नीडल जो है, तो इसको हम लगा देंगे इस वॉलीबॉल का जो होल है इसके अंदर, बिल्कुल सीधा, वरना जो है ये एक बार और फिर से पंक्चर कर सकती है हमारी बॉल को। और इसके बाद में जो एग वाइट वाली सिरिंज है जो भरी हुई है, उसको हम लगा देंगे, और धीरे धीरे बिल्कुल इस चीज़ को इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, एग वाइट को इस बॉल के अंदर डालने के बाद में हमें इसको हिलाना है कुछ इस तरीके से, ताकि जो एग वाइट है वो पूरे जो ब्लेडर है अंदर बॉल का, उसके ऊपर फैल जाए। और अभी जो है हम इसके अंदर हवा भरेंगे, और उसके बाद में इससे हमें थोड़ी देर खेलना है। अगर हम इसको एक जगह पर रख देंगे तो हो सकता है पूरा जो एग वाइट है वो फैल ना पाए अंदर, तो इसीलिए हम इसके अंदर हवा भरने के बाद में इसको इससे थोड़ी देर या तो खेल सकते हैं, या फिर इसको हिलाते रहना है लगभग 10 से 15 मिनट तो कम से कम। और उसके बाद में हमें इसको रख देना है सूखने के लिए, या फिर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको बीच में भी जो है हिला सकते हैं। तो अब हम इसमें भरते हैं हवा। और दोस्तों, बॉल के अंदर एयर फिल करने के बाद में भी हमें इसको थोड़ी देर हिलाते रहना है, ताकि जो एग वाइट है उसकी एक यूनिफॉर्म कोटिंग बन जाए इस बॉल के अंदर। और अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा लगभग 4-5 घंटे के बाद में कि ये जो बॉल है ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो गाइस, इस वॉलीबॉल को लगभग 3 घंटे हो गए हैं और ये जो बॉल है इसकी हवा अभी भी नहीं निकली, यानी कि जो ट्रिक है बहुत अच्छे से काम करती है। और मेरी तरफ से इसके लिए एक थम्स अप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल काम करने वाली है। जो मेरी बॉल है आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो 2 मिनट में की हवा खाली हो जाती थी, वो अभी तक बिल्कुल भरी हुई है, बिल्कुल भी इसमें प्रेशर कम नहीं हुआ है। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।